अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, फ्रीयत से हैं आप? प्लीज़ मेरे चैनल 2D3D डिज़ाइन के नाम से जो लॉन्च हुआ है उसको जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें और मेरी हौसला अफजाई करें, शुक्रिया। चलें दोस्तों, आज वहीं से हम स्टार्ट करते हैं जहां हमने छोड़ा था। हम यहां से या यहां से स्केचअप कौन कर लेते हैं या प्रैक्टिस का जो हमने फाइल बनाई थी उसको डबल क्लिक कर लें। डबल क्लिक करेंगे एक उसी फाइल को वो ओपन कर देगा। ये देखें, यहाँ पे हमने छोड़ा था और ये ऑर्बिट से देख सकते हैं हमारा क्यूब बना हुआ है। अच्छा, अब हमने लगाना है इस पर टेक्सचर। पहली तो बात ये है कि आपके पास जो मटेरियल्स हैं वो आपके पास डिफॉल्ट में क्या पड़े हुए हैं। आपने ये जो पेंट पकट है इसको आपने क्लिक करना है। ये जो पेंट फेंक रहा है जो डब्बा बना हुआ है इसको क्लिक किया। यहाँ पर यह आपके सारे टेक्सचर आ चुके हैं, ये पूरी लिस्ट है। जैसा कि ये डिफ़ॉल्ट में दिखा रहा है कि आपके पास ये टेक्सचर मौजूद है। यहाँ से आप टेक्सचर लगाएंगे वो आर्टिफिशियल सा लगता है, कोई नेचुरल इफेक्ट नहीं आता उससे, रेंडर में भी अच्छा नहीं लगता। फिर भी हम यहाँ से ये टेक्सचर पकड़ते हैं, इसको क्लिक करते हैं। ये देखें, ये इस तरह टेक्सचर लगा रहे हैं। ठीक है, टेक्सचर लगाने के भी दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप अपनी मर्ज़ी से दीवार पर लगा सकते हैं, दूसरा ये कि आपने ये एरो लेने यहाँ से कंट्रोल ए दबा दें, सारा सेलेक्ट हो जाए, या फिर इसको ऐसे पूरा सेलेक्ट कर लें ऑब्जेक्ट को। आप पेंट पकड़ के इस पर क्लिक करेंगे सारे ऑब्जेक्ट पे, वो जहाँ जहाँ भी होगा वो सारे कोनों में लगा देगा इस यही टेक्सचर को। ये टेक्सचर आपका लग चुका है। ये हमने लगाया डिफॉल्ट जो स्केचअप के अंदर टेक्सचर है। इसको ये देखें, एडिट करना है तो एडिट में जाना है, ये एडिट लिखा हुआ है। यहाँ पे आप अपनी मर्जी की डिमेंशन दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने इसका 24 इंच रखा था तो 24 डाल लेते हैं। ये देखें, 2-2 फुट का हर तरफ लग गया, हाइट में भी और विड्थ लेंथ में भी। अगर हम यहाँ पे 60 इंच कर देते हैं, ये देखें 5 फुट का बन गया, 60 इंच का किया तो हम इसको 24 पे रहने देते हैं, या 12 पे कर लें। ये देखें, वो छोटा हो गया टेक्सचर। ये इस तरह आपका टेक्सचर लग चुके हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इस पर अपनी मर्जी का इमेज किस तरह अटैच करना है। आप गूगल की किसी भी साइट पे जाके या गूगल इमेज पे जाके वहाँ से बॉक्स का कोई टेक्सचर डाउनलोड करें जिसमें सिर्फ बॉक्स का टेक्सचर हो, इधर उधर खाली पेज नहीं होना चाहिए, सिर्फ बॉक्स का एक फ्रंट व्यू। जैसा कि मैंने अपने पास एक टेक्सचर निकाला है गूगल इमेज से, ये इस तरह बॉक्स का टेक्सचर बना हुआ है। तो इसको मैं इसी ड्राइंग पे अप्लाई करना चाहता हूँ, तो ये किस तरह करूँगा ये देखें। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कलर कोई इधर और सेलेक्ट हुआ हुआ है, आपने ये कलर यहाँ पे सेलेक्ट हुआ होना चाहिए। तो इसके लिए आपने ये सैंपल पेंट को क्लिक करना है, इसको आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपका ये करंट हो जाएगा टेक्सचर। यहाँ एडिट में जाना है, यहाँ से ये जो फोल्डर बना हुआ है ना ऑप्शन, इसको आपने क्लिक करना है। अब आपके कहाँ टेक्सचर पड़ा हुआ है उसको आपने ब्राउज करना है, यहाँ से निकालना है कहाँ पे आपने रखा था डेस्कटॉप। ये टेक्सचर की मैंने फाइल बनाई है, अंदर यही रखा हुआ है, इसको मैंने ओपन कर दिया। ये देखें, इस वक्त ये इस हालत में आ रहा है। तो आपने इसको पूरा फिक्स करना है ऊपर। इसका तरीका ये है कि आपके पास ये जो लॉक है ना, लॉक अनलॉक ऑप्शन है, इसको आपने क्लिक करना है। यहाँ पर ऊपर वाली जो डिमेंशन है वो हमारी है एक्सिस, एक्सिस हमने 24 इंच रखी थी। देखें, बिल्कुल पूरा हो गया विड्थ। अब जो लेंथ हमारी वायर जो थी वो भी हमने 24 रखी थी, ये देखें 24। अब आप देख सकते हैं कि हमारा टेक्सचर बिल्कुल चारों तरफ इक्वल हो चुका है, फिक्स हो गया है। ये इस तरह आप टेक्सचर लगा सकते हैं। चले, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा इसका हाई रेजोलेशन इमेज किस तरह लेना है। मैं चाहता हूँ कि वीडियो शॉर्ट हो और आपको देखने में ईजी हो, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा इसका शेडो वगैरह और इसमें आप क्या मज़ीद खूबसूरती पैदा कर सकते हैं। और नाज़रीन, आप जो है लास्ट में बंद करते वक्त इसको जहाँ पे ये फ्लॉपी बना हुआ है इस पर क्लिक करें, या आपकी फ़ाइल उसी फाइल के ऊपर सेव हो चुकी है जहाँ हमने कल छोड़ा था, आज वहाँ पर ये सेव हो चुका है। कल इंशाल्लाह ताला नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह।